अगर ये जैकेट आपने बाय कर लिया ना तो आपकी सब तारीफ ही करेंगे, यूँ समझ जाओ। चैनल तो आज का वीडियो एक जैकेट हॉल वीडियो होने वाला है, जिसमें हम 5 तरह के जैकेट बताने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारे तरह तरह के जैकेट हैं जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट या कॉलेज में अगर वीडियो देख रहा है तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन होने वाला है जो अभी 2023 में लेटेस्ट चल रहा है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को दबा दो, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और वीडियो स्पेशल रिलेटेड वीडियो आती रहती है हमारे चैनल पर। तो चलो चलते हैं स्टार्ट करते हैं, और मैं अपना होनेस्ट रिव्यू दूंगा आप लोगों को। तो चलो चलते स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट जैकेट से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है रेड टेप ब्रांड का, देख सकते हो एम साइज है ये, और इसको मैं वेयर करके पहले आपको बता देता हूँ। और ये हमने रिसेंटली बाय किया है, उसका ब्लॉग नहीं देखा हो, रेड टेप हॉल वाला पर्सनली बना रखा है जैकेट का, तो वो देख लेना। तो ये आफ्टर वॉश है, मैंने दोबारा इसको वॉश कर रखा है, और उसके बाद में कुछ रिजल्ट है। इसका कलर तो बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है, और क्वालिटी तो एक नंबर है। आपको बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में भी जाओगे ना तो भी आपको ठंड लगेगी, मनाली ट्रैक, मनाली शिमला वगैरह इधर पहनने का, और हमारे उदयपुर का तापमान भी इतना अभी नीचे गिर गया, इतनी ठंड है कि यहाँ पे भी इस जैकेट में मतलब ठंड नहीं लगती, एकदम अंदर से एकदम मज़ा आ जाता है पहन के। तो काफ़ी गर्म जैकेट है ऐसा कुछ है, और ये बफर जैकेट है एक तरीके का, और इसमें साइड में कुछ मिलता है जिसमें माउंटेन्स वाला कुछ लगा रखा है स्टिकर, और रेड टेप नीचे लिख रखा है, बता देता हूँ। और इसकी कॉस्ट अगर आपको जाननी हो तो इसके ऊपर डेडिकेट ब्लॉग बना रखा है पर्सनली मैंने, तो वो जाके देखिए, ग्रीन कलर का। और ये वॉश के बाद इसकी जो पैडिंग थी अंदर से सॉफ्टनेस वाली जो बफर जैकेट में होती है थोड़ी बहुत डाउन चली गई है, मतलब ये जो फूला फूला लग रहा है ना वो थोड़ा नीचे चला गया है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी इसके लिए कोई बुराई नहीं है इस जैकेट की, पूरा अच्छा है जैकेट, गर्म है जिस हिसाब से लेओगे पर्पज से वो गर्म रहेगा जैकेट। और ऐसे कुछ स्टाइल भी कर सकते हो, हाई नेक डाल सकते हो वाइट कलर का, मैंने अभी ब्लैक कलर डाल रखा, तो ऐसा कुछ जैकेट है। हमारा नेक्स्ट जैकेट एक वर्सिटी जैकेट, जो मैंने लोकल शॉप से बाय किया है, और इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेट ब्लॉग बना रखी है, तो एक साल पहले की वीडियो है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो, सेकंड में लिंक आएगा तो उस वाले को क्लिक करके आप देख सकते हो, उसमें बहुत सारे जैकेट बना रखे मैंने। तो ये वर्सिटी जैकेट मैं वेयर करके आपको बताता हूँ, और ये मेरा सबसे फेवरेट जैकेट है, अगर स्टाइल वगैरह फैशन के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो ये जैकेट मेरा सबसे फेवरेट जैकेट है, क्योंकि ये कुछ लुक हटके देता है देख सकते हो। और कॉलेज बॉयज वगैरह जो भी है आज, मतलब अभी के ट्रेंड के हिसाब से यही फॉलो कर रहे हैं वर्सिटी जैकेट, और मैंने वर्सिटी जैकेट के ऊपर पर्सनल 2 या 3 ब्लॉग बना रखे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, आई बटन में आ रहा होगा। और मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद मेरे चैनल पर देखना बहुत सारे वीडियो है फैशन वाले प्ले लिस्ट में, तो ऐसा कुछ ब्लॉग के देख सकते हो। प्रवीण टाइप ब्लॉग से पी इसका सिंबल है, और पीछे ऐसा कुछ है पेचेस दे रखे हैं, ये हैंडमेड है सब, बिल्कुल भी प्रिंट नहीं है, और इसका लुक काफ़ी गजब का आता है। इसका प्राइस भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो प्राइस का मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, 1000 के अंदर अंदर का ही है, और उस वाली वीडियो में आप पूरा प्राइस देख लेना, इसका 1000 के अंडर का ही नहीं है, ज़्यादा महंगा ही नहीं है, उस वाली वीडियो में देख लेना। तो गाइस, आप लोगों को भी अगर ऐसा जैकेट बाय करना हो वर्सिटी जैकेट, तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो बना रखी कि आपको ये जैकेट किस किस जगह पर मिलेंगे, जैसे तिब्बती मार्केट और लुधियाना मार्केट, बहुत सारे मार्केट होते हैं ना, तो वैसे मैंने वीडियो बना रखी सेपरेट कि इधर किधर आपको स्टोर वगैरह में मिलते हैं ये जैकेट, तो वो भी जाके देखना, आई बटन में आगे होगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उन वीडियोज़ का। तो ऐसा कुछ जैकेट का लुक बहुत अच्छा लुक आता है, और 1000 की रेंज का ही बदल दो इसकी थोड़ी बहुत रेंज, और पूरी रेंज जाननी हो तो ये थर्ड जैकेट है हमारे हॉल का, रेड टेप का है, एम साइज है, और इसकी कैप भी आती है साथ में, बट मैंने अटैच नहीं कर रखी है, वो किधर पड़ी होगी, तो इसको वेयर करके देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा जैकेट है, अगर ये जैकेट आपने बाय कर लिया ना तो आपकी सब तारीफ ही करेंगे, यूँ समझ जाओ, ऐसा है जैकेट,
व्हाइट कलर का ऊपर से और अंदर टर्टल नेक वगैरह डाल सकते हो, आपको ब्लैक कलर का जो टी शर्ट है वेयर कर सकते हो, इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो ऐसा कुछ है, साइड में पॉकेट है छोटी सी, इसमें आप कॉइन वगैरह रख सकते हो और ऐसा कुछ लुक आता है इसको पहनने के, बहुत बहुत बल्की वगैरह बफर जैकेट है ना ये, तो बफर जैकेट में ऐसे बल्की लुक आती है एकदम, देख सकते हो ऐसा कुछ है। पीछे से भी ऐसे ही है और पूरा व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर की इसकी चैन दे रखी है, उसमें पीछे कैप भी आती है जो मैंने अभी पहनी है। तो इसका प्राइस भी मैंने एक वीडियो बना रखी है दोनों की, रेंटे वालों की, तो उसमें बता रखा है और क्या क्या है इनके, मतलब कोड वगैरह क्या है, अगर आपको चाहिए हो तो वो वाली वीडियो देख लेना। और आप स्टोर पे जाके ही परचेस करना क्योंकि स्टोर पे सेल वगैरह चलती रहती है। ये जैकेट जो है ना पूरे ऊपर से प्लास्टिक वाले थोड़े मटेरियल का है, जिससे आप अगर पानी डालोगे ना तो भी वो पानी इसके अंदर मतलब अब्जॉर्ब नहीं करेगा और नीचे गिर जाएगा। तो ये मतलब आप शिमला मनाली जा रहे हो तो उसके लिए बिल्कुल सही है। ये है बॉम्बर जैकेट, इसको वेयर करके बताता हूँ। और ये जैकेट बहुत अच्छे लुक देता है, अगर आप वाइट टी शर्ट वगैरह कुछ डाल देते हैं अंदर लाइट कलर का, और ये ब्लैक कलर का है पूरा प्रॉपर, और इसमें कुछ ऐसा लुक आता है बल्कि सा, और मैंने थोड़ा ओवर साइज परचेस कर रखा है क्योंकि ये लोकल स्टोर से बाय किया हुआ है। एंड आपको रेड टेप में अगर चाहिए ना तो रेड टेप में मिल जाएगा, दो चार दिन पहले ही हमने बाय किया था एक जैकेट ऐसा ही मेरे फ्रेंड के लिए, तो 1050 का ऐसे कुछ रेंज का था, बट ये 1000 के अंदर मिलते ही है, ये वाला मैंने नियर बाई स्टोर से बाय किया था। तो ये देख सकते हो इसमें जेब मिलती है ऐसी, और ऐसे कुछ चैन भी है यहाँ पर, चैन है दो तीन, मतलब पॉकेट्स है इसके अंदर बहुत सारी, और साइड में ये बस स्लीव्स पे, और ऐसा कुछ लुक देता है देख सकते हो यार, ओवर साइज थोड़ा ये बाय कर रखा है मैंने, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये ऐसे कुछ। लास्ट दो जैकेट रह गए हैं, इसके अलावा हमने जितने भी थे वर्सेटाइल जैकेट, बॉम्बर जैकेट और पफर जैकेट जितने भी थे हमने बता दिया आप लोगों को, और दो जैकेट बचे हैं जो है डेनिम वाले। तो डेनिम जैकेट सदा बाहर रहते हैं आपको पता है, और ये ठंड कम होती है ना उस टाइम पहनने के होते हैं, और ये काफ़ी स्टाइलिश लुक देते हैं, कॉलेज बॉयज वगैरह आप पहन सकते हो क्योंकि मैंने भी कॉलेज में बहुत पहना हुआ है जैकेट ये वाला। तो और इनकी भी मतलब इसका तो 1100 रुपये प्राइस में बता ही देता हूँ आपको इसका, और इसका थोड़ा कम है 1000 रुपये में खरीदी है इसका। तो बस यही था आज की वीडियो में, और इसको मैं पहन के बता देता हूँ पर्सनली, ये तो मेरा फेवरेट रह चुका है, बहुत बार पहन भी चुका हूँ मैं इसको वीडियोज में, तो इसके ऊपर ब्लैक हाइट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये, बता देता हूँ ऐसा कुछ लुक देता है ये हाइनिंग के अंदर ब्लैक वाले के ऊपर, तो ऐसा कुछ है। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में हमने 5 जैकेट बताए आप लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के भी थे और नॉन ब्रांड के भी थे, तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे, मैंने क्वालिटी के साथ भी आपको बता दिया कि आफ्टर वॉश वगैरह क्या है, उसका सीन वगैरह सब बता दिया आप लोगों को। तो आप परचेस करना हो तो स्टोर से परचेस कर सकते हैं, रेड टेप स्टोर, और ये नियर बाय आपके स्टोर पर मिल ही जाएंगे, और इनके ऊपर डेडिकेट वीडियो बना रखी है, तो आपको पता लग जाएगा हमें किस वाले स्टोर से और कैसे कैसे बाय करने हैं आप लोगों को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में।